वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 6D लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका प्रश्न है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राइट, तो आपको क्या करना है, जो आपको माँ की आयु है वो उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर माना पुत्र की आयु एक्स वर्ष है। राइट, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, इसलिए माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुनी, 5x। राइट, और क्या कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो 8 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, यानी कि आगे की बात कर रहा है। तो अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो 8 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, x+8, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 5x+8। राइट, दोनों में हमने 8 साल जोड़ दी, तो क्या हो रहा है, 8 वर्ष पश्चात माँ जो है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। राइट, यानी कि माँ की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी ना। तो हमने पुत्र की जो आयु होगी 8 साल बाद उसकी 3 गुनी कर दी। राइट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3x+3 = 24 = 5x+8। राइट, तो ये हो जाएगा आपका 5x-3x = 24 - 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x = कितना हो जाएगा, 16। तो x = कितना हो जाएगा, 16/2, 2 8 = 16। यानी कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 8 वर्ष। राइट, तो माँ की आयु कितनी होगी, 5 गुनी। तो माँ की आयु जो हो जाएगी, वर्तमान आयु, वो कितनी हो जाएगी, 5x, यानी कि 5 × 8 मतलब 40 वर्ष। राइट, यानी कि अगर पुत्र की आयु इस समय 8 वर्ष की है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। और 8 साल बाद की बात करोगे तो इसमें जोड़ दोगे 8, तो ये हो जाएगी 16 साल, यानी कि पुत्र की आयु 16 साल हो जाएगी और इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 48। और देखिए 16 × 3 = 48 होता है। राइट, 16 × 3 = 48 होता है, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो।